हैंड्स, क्लोज योर आईज फॉर प्रेयर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 6 लालू एंड पीलू फ्रॉम वर्क बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। आपको जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चिक्स हैड द हैंड। हैंड के चिक्स कितने थे? हैन यानी मुर्गी, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चिक्स बोलते हैं, है ना। तो मुर्गी के बच्चे कितने थे? ए इज 1, बी इज 3, सी इज 2, डी इज 4। कितने बच्चे थे? 2। ओके, आंसर क्या आएगा? 2। तो सी नंबर का ऑप्शन हम बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द चिक्स। जो चिक्स थे उनके नेम क्या है, उनके नेम क्या थे? तो उनके नेम क्या थे? ए इज लालू एंड पीलू, बी इज लीलू एंड पीलू, सी इज लालू एंड बालू और डी इज लालू एंड कालू। कौन सा आंसर राइट है? ए वाला ऑप्शन है, वो कैसा है? राइट है, लालू एंड पीलू। चिक्स के नेम क्या थे? लालू एंड पीलू। तो ए नंबर का जो हमारा आंसर राइट है वो हम बॉक्स में ए नंबर का ऑप्शन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, हु लव्ड रेड थिंग्स। रेड थिंग्स किसको पसंद थी? रेड थिंग्स मतलब कि लाल चीजें किसे पसंद थी। लव्ड मतलब क्या होता है? पसंद आना। किसे बहुत पसंद थी? ए इज मदर हैंड, बी इज पीलू, सी इज लालू, डी इज लालू एंड पीलू। किसको पसंद थी? कौन सा आंसर राइट है? सी, लालू को। लालू को कौन सी चीजें पसंद थी? लाल कलर की चीजें पसंद थी। ओके, तो सी नंबर का ऑप्शन हम बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है फोर, ब्लैंक लव्ड येलो थिंग्स। येलो थिंग्स किसे पसंद थी? ए इज मदर हैंड, बी इज पीलू, सी इज लालू, डी इज लालू एंड पीलू। बताइए येलो चीजें जो थी वो किसे पसंद थी सबसे ज्यादा? कौन सा आंसर राइट होगा? बी, बी यानी पीलू। पीलू जो था उसको येलो चीजें पसंद थी, पीले कलर की चीजें पसंद थी, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट है, तो हम बॉक्स में बी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है फाइव नंबर, लालू लव्ड ब्लैंक थिंग्स। लालू को कैसी चीजें पसंद थी? लालू को कैसी चीजें पसंद थी यानी कि कौन से कलर की चीजें पसंद थी, कहने का मतलब ये है। ओके, तो ए इज रेड, बी इज ऑरेंज, सी इज येलो, डी इज ब्लू। तो लालू को कौन से कलर की चीजें पसंद थी? रेड। ओके, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट है, ए हम बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, पीलू लव्ड ब्लैंक थिंग्स। पीलू को चीजें पसंद थी, कैसी चीजें पसंद थी, कौन से कलर की? ए इज ब्लू, बी इज ऑरेंज, सी इज रेड, डी इज येलो। तो पीलू को कौन से कलर की चीजें पसंद थी? येलो कलर की। राइट आंसर क्या है? येलो, ऑप्शन डी है, तो हम बॉक्स में डी लिखेंगे। नेक्स्ट है सेवन, हु वॉज येलो। येलो कौन था? येलो कलर किसका था? कौन था येलो कलर का यानी पीले कलर का? ए इज लालू, बी इज मदर, सी इज पीलू, डी इज लालू एंड पीलू। कौन था येलो कलर का, पीले कलर का कौन था? पीलू। राइट आंसर क्या हो गया? पीलू। तो ऑप्शन क्या है? सी, जो हम बॉक्स में लिखेंगे सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट, हु वॉज रेड। रेड कौन था? ए इज मदर, बी इज लालू एंड पीलू, सी इज पीलू, डी इज लालू। रेड कलर का कौन था? लालू था। ओके, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? डी। आंसर क्या आएगा हमारा? लालू। तो रेड डी ऑप्शन हम ब्रैकेट में बॉक्स में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, व्हाट डिड लालू ईट। लालू ने क्या खाया था? क्या खाया था लालू ने? ए इज अ रेड एप्पल, बी इज अ रेड चिली, सी इज अ रेड टोमेटो और डी इज अ येलो चिली। बताओ कौन सा आंसर राइट है? बी नंबर का ऑप्शन का।
ए रेड चिली. रेड चिली मींस क्या होता है? लाल मिर्ची. लालू ने क्या खा ली थी? लाल मिर्ची खा ली थी क्योंकि उसको लाल चीजें पसंद थी. ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी. तो बी हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट है 10. द रेड चिली वॉज वेरी. लाल मिर्ची वेरी क्या थी? ए इज हॉट, बी इज सॉर, सी इज स्वीट, डी इज टेस्टी. वो कैसी थी लाल मिर्ची? वेरी हॉट. हॉट हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म, मतलब उसको लग गई है ना. तो आंसर क्या आएगा हमारा? हॉट. ऑप्शन क्या है? ए. तो हम जो बॉक्स है उसमें ए लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर. लालूज ब्लैंक स्टार्टेड बर्निंग. लालू का बर्निंग स्टार्ट हो गया था, मतलब जलना स्टार्ट हो गया था. तो क्या जलना स्टार्ट हो गया था उसका? बर्न मीन्स क्या होता है? जलना. और बर्निंग यानी जल रहा था उसका. तो क्या जल रहा था लालू का? तो ए इज हैंड्स, बी इज आईज, सी इज माउथ, डी इज नोज. तो लाल मिर्ची खा ली तो उसका क्या जलना स्टार्ट हो गया? राइट आंसर है माउथ. उसका मुंह जलना स्टार्ट हो गया, माउथ जलना स्टार्ट हो गया. ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा? माउथ. तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? सी. तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे सी. नेक्स्ट है 12 नंबर. व्हाट डिड पीलू ब्रिंग. पीलू क्या लेके आया? क्या लेके आया था पीलू? ए इज अ रेड लड्डू, बी इज अ रेड चिली, सी इज अ येलो लड्डू और डी इज अ येलो चिली. वो पीलू क्या लेके आया था जब उसका मुंह जलने लग गया? तो वो क्या लेके आ गया था? येलो लड्डू. राइट आंसर क्या है? अ येलो लड्डू. वो पीले कलर का लड्डू लेके आ गया था, है ना. तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी. हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे सी. ओके, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर. हु एट द लड्डू. लड्डू किसने खाया था? ए इज मदर हैन, बी इज लालू, सी इज पीलू, डी इज ऑल. तो पीला लड्डू जो लेके आया था पीलू, वो किसने खाया? लालू ने खाया क्योंकि उसका माउथ क्या हो रहा था? बर्न हो रहा था, बर्निंग हो रहा था. तो वो उसके लिए लेके आया था और लालू ने खा लिया उसको. ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? बी. तो हम बॉक्स में बी लिखेंगे. नेक्स्ट है 14 नंबर. मदर हैन एंड लालू ब्लैंक पीलू. जो मदर हैन है यानी जो मुर्गी है उसने लालू और पीलू को क्या किया? ए इज स्कॉल्डेड, बी इज पुल्ड, सी इज हेल्प, डी इज किस्ड. उसने क्या किया? अपने दोनों बच्चों को किस्ड किया यानी कि प्यार किया. ओके, राइट ऑप्शन है डी. आपको यहाँ डी लिखना है. ओके, और नीचे है हमारे राइमिंग वर्ड्स जो हम रीड कर लेते हैं. एट डेट गेट बी फ्ली ग्ली ब्रिंग रिंग थिंग चन बन टन ब्रिक चिक क्लिक क्रीम स्क्रीम स्ट्रीम. ओके, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट. ये मैंने आपको पहले ही से ही बताते आ रही हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है. जो वर्ड सेट से अलग है उस पर आपको सर्कल करना है. उसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि आपको पीछे के जो स्पेलिंग्स होती है उनको देखना है. ओके, अब बोलने में भी अगर अलग आता है तो उस पर भी सर्कल करना है, और जिसकी पीछे से स्पेलिंग भी अलग आ रही हो तो उस पर भी सर्कल कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन है हमारे पास ये क्वेश्चन करने के लिए. तो फर्स्ट है, मैं राइमिंग वर्ड्स बोल के आपको बताती हूँ कैसे अलग निकल रहा है. बराबर, सिंग ब्रिंग थिंग स्ट्रीम. अब सब में क्या आ गया लास्ट में? सिंग गाय ब्रिंग गाया थिंग गाया, और इसमें लास्ट में बोलने में क्या आ रहा है? स्ट्रीम म आ रहा है. तो ये कैसा हो गया? राइमिंग वर्ड में अलग हो गया क्योंकि इसकी हमारा जो बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग निकल रहा है. तो ये इस पे हम सर्कल करेंगे. और अगर हम दूसरी तरह से करना चाहे तो देखिए, इसके पीछे आईएनजी है, इस वर्ड के पीछे भी आईएनजी है, इस वर्ड के पीछे भी आईएनजी है, पर इस वर्ड के पीछे है क्या? नहीं. तो ये अलग हो गया सेट से, तो हम इसमें सर्कल करेंगे. वैसे ही सेकंड है, सेकंड में क्या आएगा? क्लिक क्रीम सी चिक. अब इसमें भी आईसी के है, इसमें आईसी के है, इसमें भी आईसी के है, इसमें है क्या? आईसी के नहीं है, तो हम इस पर सर्कल करेंगे. ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. टिक मार्क द थिंग्स दैट आर येलो एंड कलर देम. आपको टिक मार्क करना है जो चीजें येलो कलर की है और उसमें कलर करना है येलो कलर ही. ओके, तो ये क्या है? सन. ये एप्पल और ये बनाना. तो इनमें येलो कलर किसका है? सन का है, और बनाना का येलो कलर है. ओके, तो हम बॉक्स में राइटिंग करेंगे. और एप्पल का कलर कैसा है? रेड है, जिसमें हम राइटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें येलो चीजों पर टिक करना है. ओके, तो ये रेड है तो इस पर हम नहीं करेंगे, और दोनों में हम येलो कलर कर देंगे. सन में भी येलो कलर करेंगे और बनाना में भी येलो कलर करेंगे. ओके,
नेक्स्ट है टिक मार द थिंग्स दैट आर रेड एंड कलर देम. आपको टिक मार करना है अब रेड कलर की चीजों पर और उनमें कलर करना है. तो लीफ कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का, तो इस पे हम टिक नहीं करेंगे. एप्पल का कलर कैसा होता है? रेड, तो यहाँ पे हम राइट टिक करेंगे और यहाँ पे रेड कलर करेंगे. रोज है ये हमारा, रोज भी रेड कलर का होता है, तो इसमें भी हम राइट टिक करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा टिक मार द थिंग्स दैट आर ग्रीन एंड कलर देम. अब आपको टिक मार करना है जो ग्रीन कलर की चीजें है और उसमें कलर करना है. तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, किसकी पिक्चर है? ग्रेप्स की. तो ग्रेप्स कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, तो यहाँ पे हमको राइट टिक करना है और ग्रेप्स में ग्रीन कलर करना है. लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, तो यहाँ तो इसमें लीफ में हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे और यहाँ पर बॉक्स में टिक करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है हमारी ऑरेंज की, और ऑरेंज में ऑरेंज कलर होता है, तो हमें यहाँ पर टिक करना नहीं है क्योंकि हमें ग्रीन कलर पे टिक करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड एंड राइट. आपको ये जो स्मॉल लेटर में जो अल्फाबेट्स लिखे हैं वो आपको रीड करने हैं और नीचे उसको लिखना है. ओके, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ओके, स्मॉल लेटर्स को आपको नीचे लिखना है रीड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेस द लेटर्स एंड मैच देम विद द करेक्ट वर्ड्स. आपको जो लेटर दिया है उसको ट्रेस करना है और उसके करेक्ट वर्ड से आपको मैच करना है. ओके, जैसे फर्स्ट में कौन सा लेटर है हमारा? ए, तो ए से कौन सा वर्ड बना है उससे आपको मैच करना है. तो ये ए है, यहाँ पर आपको वर्ड्स देखने हैं कि ए से कौन से वर्ड बने. तो पी आई जी पी, इसमें बीच में आई है, है ना, तो ये ए से बना नहीं है. सी ए पी कैप, ये ए से बना है ये वर्ड, तो हम ए को इस वर्ड से मैच कर देंगे सी ए पी कैप से. नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? ई, तो ई से कौन सा वर्ड बना है हमें वो देखना है और उससे मैच करना है. तो पी आई जी पिग, सी ए पी कैप, बी यू एस बस, और एच ई एन हैन. आ गया ये ई लेटर बीच में हमारा, तो ये ई से वर्ड बना है. ओके, तो हम ई से मैच करेंगे. फिर नेक्स्ट है हमारा लेटर आई, तो आई से कौन सा वर्ड बन रहा है? पी आई जी, बीच में आई आ गया, लेटर आई आया, तो ये वर्ड आई से बना है पी आई जी पिग, तो हम आई वाले वर्ड को पिग से मैच कर देंगे. ओके, फिर नेक्स्ट लेटर है ओ, ओ से कौन सा वर्ड बन रहा है देखिए, तो ओ से कौन सा बन रहा है? डी ओ जी डॉग, बीच में कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर है? ओ, यानी कि ये ओ से बना है डी ओ जी डॉग, तो ओ से हम मैच कर देंगे. लास्ट है हमारा लेटर यू, यू से कौन सा बनता है? तो बी यू एस बस, क्योंकि बीच में क्या है? यू लेटर है, तो यू लेटर को बी यू एस बस से मैच करना है क्योंकि ये यू से बना है ये लेटर बी यू एस बस. ओके, इस तरह से आपको मैचिंग करनी है. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ और यू. आपको ए ई आई ओ और यू से आपको वर्ड जो नीचे दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वो कंप्लीट करने हैं पिक्चर को देख करके, बराबर, जिसमें जो आता हो वो. ये ए ई आई ओ यू हमारे क्या है? वोवेल से. ओके, फाइव वोवेल से. अब ये फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रही है वो किसकी है? पेन की है, तो पेन की स्पेलिंग में क्या आएगा? पी, बीच में क्या आएगा? ई आएगा. ओके, पी ई एन पेन. ये किसकी पिक्चर है? कैप की है, तो कैप की स्पेलिंग में क्या आएगा आपको देखना है, ए ई आई ओ यू में से कौन सा आएगा. ओके, जो स्पेलिंग बनती है उस हिसाब से, तो सी के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे बीच में ए आएगा, सी ए पी कैप. ओके, ये किसकी पिक्चर है? पी की है, तो यहाँ पर पी आई जी आई आएगा क्योंकि पी की स्पेलिंग में आई आता है. नेक्स्ट है गन की पिक्चर, तो गन में कौन सी स्पेलिंग आएगी? जी यू एन, यू आएगा. ओके, ये किसकी पिक्चर है? मैट की है, तो इसमें किस बीच में कौन सा लेटर आएगा? ए आएगा, एम ए टी मैट. ये किसकी, ये कौन सी पिक्चर है? कप की है, तो बीच में कौन सा लेटर आएगा? यू आएगा, सी यू बी कप. नेक्स्ट है पॉट की पिक्चर, तो बीच में पॉट की स्पेलिंग लिखने में कौन सा लेटर आएगा? ओ आएगा, तो पी ओ टी पॉट. वैसे ही हैन है, हैन में आएगा ई, एच ई एन हैन. ये क्या है? टैप बोलते हैं इसे इंग्लिश में. ओके, तो टैप की स्पेलिंग में क्या आता है? बीच में ए आता है, तो टी ए पी टैप. ये क्या है हमारा? टॉय है, तो टॉय की स्पेलिंग में टी ओ वाई टॉय. ओके, ये किसकी पिक्चर है? फैन की है, तो फैन जब स्पेलिंग बनाएंगे हम तो बीच में क्या आएगा? ए आएगा, एफ ए एन फैन. ये किसकी पिक्चर है? बॉक्स की है, तो बीच में क्या आएगा? ओ आएगा, बी ओ एक्स बॉक्स.
और ये किसकी पिक्चर है, बस की है। तो बस की स्पेलिंग में बीच में क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा, यू आएगा, तो बी यू एस बस। और ये क्या है, पीन है। ओके, तो पीन की स्पेलिंग में बीच में क्या आता है, आई आएगा, पी आई एन, पीन। और लास्ट में ये क्या है, बैड है, तो बैड की स्पेलिंग में क्या आएगा, बीच में ई आएगा, तो बी ई डी बैड। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काउंट एंड राइट। आपको ये काउंट करना है और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट में कौन सी पिक्चर है, पेंसिल की है, तो पेंसिल को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, कौन सा नंबर आया, 11 आया, तो आपको यहाँ पे 11 लिखना है। वैसे ही आपको आगे की पिक्चर्स काउंट करने हैं, जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 11 to 20। अब आपको ये जो नीचे बॉक्स दिया है, इसमें स्टार्टिंग में 11 दिया है, तो आपको 11 दे दिया है, 11 के बाद से आपको स्टार्ट करना है, तो 20 तक नंबर लिखना है। ओके, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से आपको 11 से लेके 20 तक नंबर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नंबर्स विद द वर्ड्स। आपको जो नंबर दिया है उसके नेम से आपको मैच करना है, यानी उसके वर्ड से आपको मैच करना है, यानी उसकी स्पेलिंग क्या बनती है वो आपको मैचिंग करना है। तो फर्स्ट में क्या आंसर नंबर है, 19, तो 19 की स्पेलिंग क्या होती है, एन आई एन ई टी डबल ई एन, 19। तो आपको 19 की स्पेलिंग से आपको उसे मैच करना है, 19 के नंबर को। नेक्स्ट है 17 नंबर है, तो 17 की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई वी ई एन टी डबल ई एन, 17। तो आपको 17 नंबर को 17 की स्पेलिंग से, यानी उसके वर्ड से मैच करना है। ओके, इस तरह से जितने भी नंबर्स नीचे दिए हैं उसकी स्पेलिंग से आपको उसे मैचिंग करना है। ओके स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। वंदे मातरम, थैंक यू।